स्कूल में क्योंकि आज खाना सो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है डोबा से, डोबा की हसीन वादियों से। आप देख सकते हो डोबा मतलब गुप्तकाशी, और गुप्तकाशी आज ब्लॉग शूट कर रहा मतलब मौसी लोगों के यहाँ से। तो इसी के साथ ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा नाम सौरभ चौहान और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुप्तकाशी की हसीन वादियों से। सो आशा करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 11 बजे से। आज कुछ खास है, आज है और बने रहे दोस्तों आज के ब्लॉग में। और देखिए ये पहाड़ी कल्चर मतलब पहाड़ी कल्चर से रिलेटिव ये वीडियो है। इसमें अपने गाँव के मतलब हर जो जो गाँव प्रतिभाग करेंगे अपने अपने गाँव के वो दिखाएंगे परम्परा किस तरह से है। मतलब हमारे गांव का जो है वो हल्दी हाथ पे है, तो कैसे हल्दी हाथ होते हैं पहाड़ों में उस तरह से दिखाया जाएगा। उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन वो रहते हैं, तो जो भी गांव फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उसमें उनको इनाम दिया जाता है, ये हर साल होता है। तो बने रहे आज के ब्लॉक में, इस पहाड़ी ब्लॉक में। तो ये पहाड़ी ब्लॉक मतलब पहाड़ी कल्चर से रिलेटिव वीडियो है। तो अभी मैं अपने मौसी लोगों के छत से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ से देख सकते हैं यह डोबा गाँव। सो ये देख सकते हैं आप, ये है डोबा गांव यहाँ से, एंड यहाँ से आप देख सकते। सो दोस्तों बने रहे आज के ब्लॉग में, अब मिलते हैं आप सीधा आपको स्कूल में क्योंकि वहाँ कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है। हम भी जाते हैं अब यहाँ से, मौसी लोग भी आ रहे हैं, तो मिलते हैं आप सीधा आपको वहाँ से। यहाँ से जो उखी मठ का व्यू दिखता है यहाँ से देख सकते हैं, सामने से उखी मठ का व्यू दिख रहा है सामने, यह गुप्तकाशी मार्केट। सो गाइज अभी यहाँ पे मौसी जी बना रही है चौसी, ये देख सकते हैं चौसी बनाने आई हम। तो यहाँ पे अभी हम खाना खा के जाएंगे, वहाँ तो कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है। तो मौसी जी अभी यहाँ पे चौसा बना रही है चौसा, तो ये देख सकते हैं काले भट्ट और सफेद सोयाबीन मिक्स। तो यहाँ पे चावल लग दिया है, तो ये मौसी आएगा। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों। सो अभी हम खाना खा के जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे, कार्यक्रम तो स्टार्ट हो गया है। तो ये है मौसी जी का किचन, मौसी जी का किचन तो सबसे बेस्ट है, लगी रहती है सफाई पे दिन भर। सो गाइस ये देख सकते हैं, इसको मिक्सी में पीसेंगे। अब तो हर चीज वो हो गई, पहले तो सिलोटे में करते थे, अब तो मिक्सी होगी घर घर। तो जितना तो यहाँ से देख सकते हैं मौसी दाल के डब्बे क्या भर रखे हुए फुल फुल। सो गाइज अभी मैं जाता हूँ यहाँ से स्कूल में क्योंकि अभी खाना बनने में थोड़ा लेट है, तो वहाँ हमारे गांव वालों का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, तब तक मौसी लोग बाद में आएंगे। तो मिलते हैं स्कूल में, ठीक है, जल्दी चले जाना, बाय। सो गाइज अभी यहाँ से निकल गया मैं इस वाले रास्ते से, ये वाला रास्ते यहाँ से जाना। Yeah.
बारिश की गाइज अभी देख सकते हैं ये है स्कूल हमारी, तो यहाँ कार्यक्रम लगातार चल ही रहे, तो मतलब वीडियो क्वालिटी उतनी साफ नहीं दिखाई दे रही, वहाँ से बिल्कुल धुंधला दिख रहा है, तो जैसे भी दिखेगा दिखाते रहेंगे आपको। सो गाइज अभी हम यहाँ से जा रहे हैं बाहर, वो आंचल ही आ रहे हैं तो उनको लेने। ये है हमारा मयंक भाई, स्कूल का बेस्ट फ्रेंड का भी, अभी तो बड़े बड़े आदमी हो चुके हैं, ये हो गए बड़े आदमी, पैसा कमाने लग चुके हैं। अरे हमारा संपर्क बहुत कम रहता है, अभी ये पाकिस्तान हमने गए थे, वो ब्लॉग मैंने देखा, बहुत अच्छा ब्लॉग था। जिनकी कमी थी कब से वो दोनों पधार चुके हैं हमारे साथ। आइए हम आ गए अंदर क्लास में जहाँ लोग तैयार हो रहे हैं, तो ये देख सकते हैं ये है क्लासेस। सो गाइस अभी यहाँ पे है मेरे दी लोग, भैसारे से आ रखे हैं, तो इनका भी प्रोग्राम है, तो ये देख सकते हैं दी लोग इस तरह से तैयार हो रखे हैं, ये देख सकते हैं आप पहाड़ी लुक। सो गाइस अभी ना यहाँ पे दी लोग का बहुत कार्यक्रम उनका, तो अभी तो इसका हमारे गांव वालों का तो पहले नंबर पे था, तो उनका मैंने आपको दिखाया थोड़ा सा, जो अंदर से है ना वहाँ से वीडियो क्वालिटी साफ नहीं दिखा, तो धुंधला धुंधला लग रहा है, ये तो इसमें डांस करने का भयंकर है, तो आज ये करेंगे इस रूम में डांस। सो गाइस हमें आपने कौन सी क्लास है ये 11th? हाँ ये हमारी क्लास की बात है गाइस, इस स्कूल की बहुत याद आ रही मुझे अपनी क्लास की, देख सकते हैं यहाँ पे बैठते हैं इस क्लास में। सो गाइस हमने बहुत ही मस्ती की, बहुत पल इसके तो ज्यादा ही पल झूल रखे। सो गाइस ये देख सके मैं छोटे छोटे बच्चे आ रहे थे, वाह ये हमारा भांजा, ये हमारी भांजा। सो गाइस अभी हम यहाँ रूम में है, तो बाहर तो उतना अच्छा हो नहीं रहा, तो अभी देखते हैं आप चलेंगे इसके बाद बाहर, तो यहाँ देख सकते हैं साफ फोटो शूट पे लगे तो मेरे कल्ली कल्ली काटली अंगूर या
पकड़ा गुलाबा तो गाइज ना अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए मौसी लोगों के यहाँ। तो ये आंचल और मैं मौसी तो अभी पीछे है, भूख लग गई भाई, डेढ़ बज गई, मतलब अभी तो कार्यक्रम काफी लंबा है, तो देखते हैं कब घर चलते हैं। तो मेरा आज मार्केट का काम भी था, मार्केट भी नहीं गया भाई, यहीं पर रह गया मैं उस टाइम से। तो अब चलता हूँ यहाँ से। तो अभी तो गाइज अभी आ गए हम घर पे, खाएंगे हम खाना, मिलता है खाना खाने के बाद। तो अभी यहाँ तक कर रहे हैं खाना। सो दोस्तों हम घर आ रहे थे खाना खाने के लिए, अब मतलब ढाई बजने वाले हैं, ढाई बज गया। तो अब जा रहे हैं हम खाना खाने के बाद फिर से वहीं, तो मिलते हैं। चौंसा भात खाकर ऐसा हो गया ना शरीर, थोड़ा आराम भी किया, इसने तो इतना सारा खाया ना इसका पेट। सो गाइस अब चलते हैं वहाँ, देखते हैं कौन सा चल रहा है। अभी सब खाना खा रहे है, यहाँ भी आज खाना हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दिखाता आप लोगों को यहाँ से। सो गाइस यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पे खा रहे खाना। वहाँ पे खाना खा रहे हैं और नाटक चल रहा है, इसने तो घर से भी घूस के आ गई, अब बोल मैं यहाँ भी खाऊंगी देते सब पे। सो गाइज अभी ना मैं वहाँ कार्यक्रम चल रहा है, तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा चाउमीन खाने आया हूँ यहीं पे कैंटीन पे, स्कूल की कैंटीन पे। तो कार्यक्रम अब समापन की ओर है, तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, आप देख लेना मेरे वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे थोड़ा मैं चाउमीन खा रहा हूँ, तो यहाँ पे चाउमीन सेंटर स्कूल का कैंटीन है। यहाँ ये हाई कर लो। सो गाइस अभी देख सकते हैं कार्यक्रम समाप्त हो गया, सब घर के लिए निकल गए, कोई फर्स्ट आया।
सो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं मैं घर और बारिश भी लगना स्टार्ट हो गया है। टाइम देख सकते हैं 5 बज गए है। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक ऐसे ब्लॉग के साथ, अब तक ओके बाय बाय। अभी मैं अपने दादी के घर पे, यहाँ पे दादी दादू को है। सो ओके बाय बाय, और वीडियो को देख लेना यार, जरूर देख लेना। उस समय फर्स्ट आए गुप्त गाँव वाले, सेकंड आए नानी को, फर्स्ट पता नहीं कौन आया। तो बाय बाय, बात है इसमें।